अनन्या को प्रभु बोलते उसके घर में जा, उसके लिए प्रार्थना कर कि वो आंखों से दृष्टि पाए, क्योंकि प्रभु ने उसे दर्शन दिया, वो अंधा हो गया। और उसने कहा प्रभु ने मुझे भेजा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं और तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और उसने उस पर हाथ रखा और लिखा है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से घिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। और फिर उसने उठकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, आंखें हील हो गई और उसने बपतिस्मा लिया और फिर उसने भोजन करके बल पाया। यहां पर अगर भोजन करके बल पाया को भी हम क्या कह सकते हैं कि भोजन को अपने स्वार्थ और इच्छाएं पूरा करने के लिए आज से हम नहीं खाएंगे। जी भर के खाई जा रहे हो तो कैसे प्रेयर करेंगे हम? भोजन खाना है सिर्फ पेट भरने के लिए। कल मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, मैंने कहा सिर्फ सुबह सिर्फ मुझे दो रोटी चाहिए और दोपहर को भी खाऊंगा तो दो, अगर रात को भी खाऊंगा तो दो, अगर मेरी भूख 5 की है, अगर 4 दिन मेरे हफ्ते में फास्टिंग होते तो उसमें एक्स्ट्रा 3 दिन होते हैं जिसमें मैं खा सकता हूं, तो उसमें मैंने कहा ये लिमिट है। कि मतलब ये वचन के द्वारा कि फिर वो भोजन करके बल पाया। भोजन केवल आपको प्रेयर में बल पाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आपने प्रेयर की अब फास्टिंग खत्म हुई आपने रज के खा रहे हो, जो आपने सोचा मैं पूरा दिन प्रेयर करूंगा आज प्रेयर में बताऊंगा। अगर आपसे फास्टिंग नहीं रखी जा सकती तो आप ये सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो फास्टिंग का, कि आप कहेंगे मैं एक रोटी सुबह खाऊंगा, एक दोपहर खाऊंगा, एक रात को खाऊंगा और सारा दिन प्रेयर में बिताऊंगा। और जो मंगलवार जो और शनिवार होता है जो मेरा पूरा दिन प्रभु के साथ होता है, प्रेयर वचन अपने लिए रिसीव, आपके लिए वचन रिसीव, प्रभु की बातें, प्रभु के साथ संबंध को मजबूत करना, इसमें अभी कोई काम नहीं, सब चीजों को बंद कर दिया गया फुल डे। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिट रख सकते हैं अगर आपसे फास्टिंग नहीं रखी जा सकती। कई लोग खाने के लिए जी रहे हैं, ओ जी कादे ले कमा रहे हैं जी, जिंदा रहने दे लीजिए, खाना खाना है। क्यों कमा रहे हो? खाना खाना रात दा क्यों कमा रहे हो? खाना खाना है। खाना खाने के लिए मत कमाओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाना खाओ बस। क्योंकि अगर हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे कभी आत्मा में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कितने समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे, और बहुत सारी हैं पर अब मैं क्या बात कर रहा हूं खाने के बारे में, अगर शरीर की इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे कभी हम आत्मा में बल नहीं पा सकते। आत्मा तब आता है जब आप अपने लिए मरते हो, शरीर के लिए मरते हो, तब वो आता है आत्मा आपके अंदर। हालेलुया। जब तक आप अपने लिए मरे नहीं हो, शरीर के लिए मरे नहीं हो, आत्मा कभी आपके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि आप भरे अपने आप के लिए जी रहे हो। और एक दास ने कहा मेरा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो वो मेरा शरीर है, क्योंकि मैं आत्मिक रीति में चलना चाहता हूं, आत्मा के द्वारा जीना चाहता हूं। और मुझे पता है मेरी खुशी प्रभु में बढ़ने में ही है, जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरी खुशी इसी में ही है कि जीवन भर तेरे भवन में बैठा रहूं, दिन रात तेरी व्यवस्था पर मनन करता रहूं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा कि जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोरथों पर दृष्टि लगाने पाऊं, उसके बारे में सोचता रहूं, उसके बारे में ध्यान लगाऊं। ये वर कहता मैंने यहोवा से मांगा कि कब जाके उसको अपना मुंह दिखाऊं, उसका मकसद यही था। तो जिसके लिए ये इच्छा है उसके लिए एक ही चीज खिलाफ है, उसका शरीर। कल हम गूगल में ढूंढ रहे थे नंस जो होती, जो कई आप क्रिश्चियन कैटागरी में एक देखते हैं जिन्होंने ऐसे कपड़े डाले होते हैं, जो जिनकी जो मैरिज नहीं करवाती, उनका भी एक देखो बलिदान है। हर एक अलग अलग तरीके से, हर एक वचन पढ़ता है अलग अलग तरीके से लोग मान रहे हैं, पर देखो वो बलिदान, उनके रूल्स होते हैं, वो हर एक के लिए आसान नहीं है बनना, हर एक को नहीं बन सकता। लेकिन कुछ तो निपुंसक, कईयों ने अपने आप को निपुंसक बना लिया, कई तो निपुंसक पैदा हुए, कई निपुंसक बना लिया, कई अपनी इच्छाओं के लिए मर गए। उनके लिए बहुत, हर कोई नहीं बन सकता, वो कहते उनके लिए रूल्स होते हैं कि जे सोशल मीडिया पर नहीं जा सकते, कुछ ऐसे रूल्स होंगे, ठीक है मान लो कि जे कभी फेसबुक नहीं चलाएंगे, जे सोशल मीडिया पर ना कुछ देखेंगे ना चलाएंगे, टीवी देखना इनको अलाउड नहीं है, जे मैरिज नहीं करवाएंगी, पवित्र जीवन जिएंगे, जे लगातार प्रभु के संगति में रहेंगी, जे कम बोलेंगी,
आप देंगे वो कम बोलेंगी हमेशा आपके साथ, ऐसे हफड़ा दफड़ी नहीं मचाएंगी, वो कम बोलेंगी उतना जितना जरूरत है बस कि हमारे मुंह से पाप ना हो। और उन्होंने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया, पर आपने कैसा भेद पाया, आप उस भेद में चले और आपको प्रभु क्या सिखा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए मरना अपनी लाइफ के लिए यही चीज रहता है। मान लो एक व्यक्ति मर तो रहा है, मान लो, पर वो इच्छा नहीं रखता कि मुझे चमत्कार सामर्थ अभिषेक प्रभु की महिमा के लिए चाहिए, बस मुझे जीवन जीना। तो हर एक की इच्छाएं हैं। मैं सोच रहा हूं अगर वो व्यक्ति कहे प्रभु हमें चिन्ह और चमत्कारों की सामर्थ से भर दे, सचमुच परमेश्वर भर सकता है? कितना उनके पास इतना मसा होगा, मेरे ख्याल से लगता नहीं किसी के पास होगा दिखेगा। पर रेवलेशन आपने कैसा पाया उनको, बस हमने तो बस जीवन पवित्र चढ़ाना है, क्योंकि लिखा अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को बाप दाओ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उन्होंने ठान लिया बस हमने यही जीना। अगर आप में एक भी ऐसा ठान ले, प्रभु आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है, पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप ठान ले कि मैंने शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए जीना है, तो वहां पर देखते हैं कि उसने फिर भोजन करके बल पाया। मतलब भोजन जरूरी है हमारे लिए कि हम बल पाए। कई बार हम भोजन के लिए प्राप्त, प्रभु धन्यवाद इस भोजन के लिए आपने इंतजाम किया, हर एक को भोजन देना, प्रभु इसे पवित्र करें, इसमें आपका लहू मिला देते हैं और इसे खाकर जो बल प्राप्त करें तेरी सेवा में लगाएं। ये मेरी डेली ऐसी प्रेयर रहती है हमेशा भोजन के लिए, ये पूरी रट्टाई वाली प्रेयर है कि जो भोजन खाते हुए जो बल प्राप्त करें तेरी सेवा में लगाएं, तेरे कामों में लगाएं, ना कि अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हालेलुया। आज लोग क्यों ग्रेट नहीं, यही इसी के कारण। लोग कहते हैं मैं बिजनेस में सफल नहीं हूं, मैं जॉब में सफल नहीं हूं, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरे वेवी नहीं हो रहे, मेरी हीलिंग नहीं हो रही, मेरी लाइफ स्टैंड नहीं हो रही, मैं बार बार फेल हो रहे हैं, मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा है, मेरा पास क्यों लाइफ में फेल है, हर चीज मैरिज में फेल, रिश्ता नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो सफल नहीं है वो, हर चीज में क्यों फेल है? क्योंकि आप शरीर के लिए जी रहे हो। मैरिज आपको लगता है अभिलाषाएं पूरा करना है, बाइबल में क्या, मैरिज अभिलाषाएं पूरा करना नहीं है, प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए एक साथ है। हालेलुया। तो मतलब जितना आप शरीर के लिए जिएंगे, लेकिन शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जितना आप शरीर के लिए जिएंगे उतना आप अशांति में, असफलता में, रुकावटों में, बैड न्यूज में चलेंगे, जितना आप आत्मा में चलेंगे उतना आप जीवन और शांति में जिएंगे। और टेस्टमनी पर गवाही के ऊपर गवाही, क्योंकि आत्मा आपके साथ है। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आत्मा आपके साथ रहता है आपको ब्लेस करने के लिए। लेकिन शरीर के नहीं, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। पृथ्वी बल की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। तो उन्होंने फिर भोजन करके बल पाया। जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे पवित्र आत्मा के आपके बपतिस्मे के लिए, तो आप फास्टिंग करो अपनी लाइफ में।